गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैड कम्प्लीट द चैप्टर नंबर 8, एडवर्ब्स फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड यू हैड कम्प्लीट एक्सरसाइज वर्क ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, टूडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर 9, एडजेक्टिव्स. लेट्स स्टार्ट. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेज. नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको आपको देखना है केयरफुली एंड सेंटेंसेज को रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू लुक दिस पिक्चर एंड सेंटेंसेज. लिपिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. देखिए, इसको ट्रॉफी दे रहे हैं. इट मीन्स लिपिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. सेकेंड इज लुक दिस पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस. ब्रिजेश स्पेंड्स मच मनी. ओके, ब्रिजेश स्पेंड्स मच मनी. इसने शॉपिंग की है बहुत सारी. ओके, नेक्स्ट लुक दिस पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस. सेंटेंस, वी लिव इन अ बिग हाउस. हम कहाँ रहते हैं? बड़े घर में रहते हैं, बिग हाउस में रहते हैं. नेक्स्ट इज लुक दिस पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस. I teach two children daily. Okay? ये कह रहे हैं कि मैं रोज़ टू चिल्ड्रन को पढ़ाता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, लिपिका बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है. ब्रिजेश ने बहुत सारे पैसे जो हैं स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं. ओके, ये देख लिया आपने. अब देखिए, इन द अबव सेंटेंसेज इंटेलिजेंट, मच, बिग एंड टू आर एडजेक्टिव्स. वो क्या हैं? ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये वर्ड्स जो कि कलर हुए हैं. सेंटेंस में हमने पढ़ा है लिपिका इज एन इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट. ब्रिजेश स्पेंड मच, यहाँ पर मच. एंड वी लिव इन अ बिग हाउस. आई टीच टू चिल्ड्रन डेली. ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको याद रखना है द वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल एडजेक्टिव्स. तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि द वर्ड, जो वर्ड क्या करता है, विच एड समथिंग, कुछ ऐड करता है समथिंग मीनिंग ऑफ अ नाउन के मीनिंग, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के को और कुछ ऐड करता है उनके साथ में, तो उसको क्या कहते हैं? आर कॉल एडजेक्टिव्स. हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं. तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए हाउस, वी लिव इन अ हाउस. तो देखिए यहाँ पर उसके साथ क्या ऐड हो गया है? बिग ऐड हो गया. तो ये एडजेक्टिव है. बड़ा घर मतलब हाउस की क्या बता रहा है? ये क्वालिटी, एक कह दो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो बड़ा है, छोटा है, ब्यूटीफुल है ना, इस तरीके से. तो यहाँ पर बताया बड़ा घर है ना, तो वो बता रहे चिल्ड्रन है नाउन. और क्या कह रहे हो? टू बताएं, टू चिल्ड्रन है. ओके, इस तरीके से. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके काइंड्स को पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. तो देखिए, एडजेक्टिव्स आर सिक्स काइंड. एडजेक्टिव आर ऑफ सिक्स काइंड. कितने टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव? सिक्स टाइप्स के होते हैं. काइंड्स और टाइप्स एक ही होता है. ए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब एडजेक्टिव जो है क्वालिटी बताता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ई पजेसिव एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. देखिए यहाँ पर, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ऑल क्वालिफाइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव. जितने भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम. देखिए यहाँ पर, इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. इस क्लास में हम, क्लास थर्ड में हम फोर टाइप्स के एडजेक्टिव्स को ही पढ़ेंगे. ओके, कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पढ़ेंगे हम, समझेंगे हम. बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम समझेंगे, पढ़ेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ेंगे एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं, शो द काइंड और क्वालिटी. उसमें उनके वो काइंड और क्वालिटी को शो करते हैं किसके ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, चीज़ों की, जगह की, या किसी पर्सन की जो क्वालिटी है वो उनको शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोनिया गांधी इज़ अ वाइस लेडी. ये देखिए क्वालिटी को शो किया है. अवर सोल्जर आर वेरी ब्रेव, ब्रेव हैं वो.
अ टॉल वुमेन, ये उनकी वो है, एक क्वालिटी है या उसकी काइंड है कि वो कितना मतलब लंबी वुमेन है, लंबी है वो औरत, इज स्टैंडिंग नियर द ट्री. डी सीना लिव्स इन ब्यूटीफुल हाउस, ये हाउस की क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है, हाउस को बता रहे हैं कि हाउस कैसे हैं. ठीक है, देखिए, डू यू नो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, मतलब कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है वो कौन से क्वेश्चन की आंसर होती है, व्हाट काइंड, किस तरह का. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, इन द अबव सेंटेंसेज वाइस ब्रेव टॉल एंड ब्यूटीफुल आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये सब क्या है, ये शो कर रहे हैं क्वालिटी को, किसी ना किसी की क्वालिटी को. यहाँ पर सोनिया गांधी की क्वालिटी को शो किया है, सोल्जर्स की क्वालिटी को शो किया है, वुमेन की क्वालिटी को शो किया है, एंड हाउस. ओके, दीज वर्ड्स शो द क्वालिटी ऑफ सम नाउन, ये वर्ड्स क्या हैं, क्वालिटी शो कर रहे हैं किन, सम नाउन्स की, है ना. सोनिया गांधी नाउन है, सोल्जर्स नाउन है, वुमेन नाउन है, सीना नाउन है, सॉरी सीना नहीं, हाउस. ओके, ये सीना भी नाउन है बट यहाँ पर हाउस की जो है क्वालिटी शो कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पढ़ेंगे. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंस्टेंट, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो शो करते हैं हाउ मच थिंग, कितनी चीज है, इज इंस्टेंट, इंस्टेंटेड. ओके, एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गिव मी सम वाटर, मतलब कुछ पानी दो, थोड़ा पानी दो. प्रमोद हैज स्पेंड ऑल द मनी, ऑल सारी मनी उसने खर्च कर दी है. माई ब्रदर डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, एक भी ब्रेड नहीं खाया उसने. दे हैव डन इनफ वर्क, उसने अपना इनफ वर्क कंप्लीट कर लिया है. ओके, डू यू नो, आपके जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होती है आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ये कौन से क्वेश्चन के आंसर होते हैं, हाउ मच, कितना का आंसर होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स, ये जो कलर वर्ड्स हैं, सम, ऑल, एनी, इनफ, टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों की क्वांटिटी को हमें बताते हैं कि थोड़ी है, ज़्यादा है, पूरी है, टोटल है, एनी है, इनफ है, मतलब ये सब चीज़ हमें बताते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं, अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग्स इज मीट, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो पॉइंट्स करते हैं, पॉइंट आउट विच पर्सन, कौन सा पर्सन है और कौन सी थिंग है, इज मीट. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये है बुक मेरी है. दीज वुमेन आर सिंगिंग, ये जो वुमेन्स हैं ये क्या कर रही हैं, सॉरी वुमेन हैं ये क्या कर रही है, गा रही हैं. दैट बर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बर्ड कितनी है, बहुत सुंदर है. माई फादर जनरली प्ले सच गेम. ओके, तो देखिए यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन के आंसर होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच, जो जिन क्वेश्चन में विच आता है उनके आंसर में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. ओके, इन द अबव सेंटेंसेज द कलर वर्ड दिस, दीज, दैट एंड सच आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव एंड लास्ट. इंट्रोगेटिव तो होते ही अपने आप में क्वेश्चन है. ओके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हुज, व्हिच, व्हाट और व्हेन आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, इन वर्ड्स का यूज होता है आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए. ओके, एग्जाम्पल, व्हिच बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए. व्हाट गेम, पढ़ने के लिए. व्हाट गेम डज ही प्ले, वह कौन सा, व्हाट गेम डज ही प्ले, वह कौन सा गेम खेलना चाहता है, वो क्या गेम खेलना चाहता है, सॉरी. व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है. हुज नेम इज़ नॉट रिटन इन द लिस्ट, लिस्ट में किसका नाम नहीं लिखा गया है. तो देखिए यहाँ पर, डू यू नो इन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर क्वेश्चन इज बींग आस्क यूजिंग द वर्ड, ये क्वेश्चन होते हैं जिनको पूछा जाता है यूजिंग द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स का यूज़ करके, वॉट, वैन, विच, वेयर, इन वर्ड्स का यूज़ करके इन क्वेश्चन को पूछा जाता है. इन द अबव सेंटेंसेज द कलर्ड वर्ड विच, वॉट एंड वूज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, क्या हैं वो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. ओके, put a suitable adjective in each of the following sentence with the help of the given words, इनकी help से हमें इनको, इनकी help से हमें नीचे जो हमसे fill-ups पूछे गए हैं उनको fill करना है. okay students, number A, Jyotsna is an, ये
इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ाई था अपने सबसे शुरू में जब हमने सेंटेंस किया था उसमें लिपिका थी, यहाँ पर ज्योत्सना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ज्योत्सना इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। नेक्स्ट बी डैश काइंड ऑफ मैन ही इज, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आएगा व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। ओके, नेक्स्ट आई हैव ईटन इनफ फूड, मैंने खाना खाया इनफ, जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने खाना खाया। नेक्स्ट प्रकाश इज अ स्टूपिड मैन, प्रकाश क्या है, एक स्टूपिड मैन है। नेक्स्ट ई किरण हैज मैनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, किरण के पास बहुत सारी क्या है, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एफ राखी एंड रेखा आर गुड फ्रेंड्स, हमारे ऊपर से आप देखेंगे अपनी बुक में, ओपन द बुक इंग्लिश पेज नंबर 31 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। ओके, पेज नंबर सॉरी 30 में देखेंगे आप, वो वर्ड्स देखिए जो आपको हेल्प के लिए दिए गए हैं, तो यहाँ पर आएगा राखी एंड रेखा आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट मुंबई इज अ वेरी बिग सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट दिस इज माई बुक। नेक्स्ट आई द पेन ड्राइव इन योर हैंड इज माई, जो पेन जो है तुम्हारे हाथ में, इन योर हैंड इज माइन, ये मेरा है। नेक्स्ट जे मंकी हैव लॉन्ग टेल्स, मंकी की कैसी होती है, लंबी टेल होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइंड आउट द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग वर्ड वर्ब एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो, तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव क्या था, फर्स्ट एडजेक्टिव था हमारा एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो देखिए हम यहाँ पर क्वालिटी को ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा क्वालिटी। सेकंड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम किसको वो करेंगे, क्वांटिटी को हम, वन सेकंड, हाँ क्वांटिटी को हम वो सर्च करेंगे, तो हमारा क्वांटिटी ये रहा यहाँ पर, ये हमारा क्वांटिटी है। ओके, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारा ये रहा इंट्रोगेटिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है हमारा ये रहा पजेसिव, नीचे तक हमारी स्पेलिंग गई हुई है पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, और लास्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा नंबर, और ये हमारा फर्स्ट था क्वालिटी, हमारे सारे मिल गए हैं ये। अब हमको क्या करना है, इन सभी को हमें नीचे राइट डाउन करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड इज़ क्वांटिटी, थर्ड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव, एंड फोर्थ इज़ इंट्रोगेटिव, फिफ्थ इज़ पजेसिव, एंड सिक्स्थ इज़ नंबर। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, नाउ you will read this chapter carefully and complete the exercise of this chapter. Okay, bye bye students.